वेलकम टू विल्सटेक यूट्यूब चैनल। आज है डेट 8 सितंबर वर्ष 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि एक्वाक्वेरिया एरिया समिट वर्ष 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी हैदराबाद। एक्वाक्वेरिया समिट वर्ष 2019 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया गया था। अब ये एक्वाक्वेरिया समिट क्या है, आइए इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार का मंच है, यहाँ पे हड़ताली व्यापारी व्यापारिक सौदों के एक्वाकल्चर और सामाजिक मछली जो सजावटी मछली होती है उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। जलीय कृषि तथा सजावटी मछलियों के बारे में जागरूकता अभियान इस मंच के द्वारा चलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, केंद्र सरकार ने अगले 3 से 5 वर्षों में मत्स्य पालन मतलब फिशनरी के विभिन्न क्षेत्रों में कितने रुपए का निवेश का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 35,000 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 25,000 करोड़ रुपए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मछली पालन व्यवसाय को लोग इतना अच्छा नहीं मानते हैं, इसी के जागरूकता के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के इसके विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का निर्णय लिया है ताकि इसको मत्स्य पालन मतलब मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। इस वीडियो से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए वेनिया, ऑप्शन बी बुदापेस्ट प्रयाग, ऑप्शन सी मुनीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए वेनिया। वेनिया जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस सर्वेक्षण किया था उसके अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर जो है वो वेनिया को खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों के लिए देश का पहला फन जोन रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो है भारतीय रेल के द्वारा रेलवे फन जोन का शुभारंभ किया गया है। कभी कभी जब रेलगाड़ी बहुत लेट हो जाती है तो बच्चों के लिए फन जोन का निर्माण किया गया है या खोला गया है जिससे कि जाकर बच्चे अपने समय को काट सकते हैं, खेल सकते हैं। इसमें कुछ तरह के खेल होंगे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसे फन जोन कहा जाता है। इस प्रकार का ये पहला अभी तक का फन जोन है जो कि विशाखापट्टनम में भारतीय रेल द्वारा खोला गया है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक को पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 50,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,00,000 रुपये या फिर ऑप्शन डी 1,50,000 रुपये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50,000 रुपये। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को जो है वो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
देखा जाए तो ये बहुत कम है, लेकिन क्या करें, पुरस्कार तो पुरस्कार है, पुरस्कार स्वरूप जो भी मिले वो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर को दिया जाता है। इस वर्ष रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 46 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। हाल में ही किरण नारायण जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी कार्टूनिस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेखक। किरण नारायण जी जो थे वो एक उपन्यासकार अर्थात नॉवेलिस्ट थे, जिनकी 77 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। ये एक प्रसिद्ध लेखक थे जिनको क्रूकोल्ड नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इनकी फ़ोटो चित्र में प्रदर्शित है। इनका नाम है किरण नारायण, जिनका हाल में ही निधन हो गया था। हाल में ही किस बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक या फिर ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है आपका लंदन में है, और इसका चेयरमैन का नाम जो है विल विंटर्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड बैंक के जो है वो चेयरमैन है। अगला प्रश्न जो है, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का VR आधारित सिम्युलेटर केंद्र कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई में ही एशिया का 5वीं पीढ़ी का पहला VR मतलब वर्चुअल रियलिटी आधारित सिम्युलेटर केंद्र की स्थापना की गई है। इसके द्वारा बहुत सारे ड्राइवरों को कार चलाना या टैक्सी चलाने की शिक्षा या सिखाया जाएगा। इसके अंदर तहत सबसे पहले 200 एम्बुलेंस ड्राइवरों को कार चलाना या एम्बुलेंस चलाना सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। अब बात करते हैं, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में आता है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? वो चेन्नई है। तमिलनाडु के CM का नाम है E.K. पन्नस्वामी, इनके गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी। तमिलनाडु के गवर्नर जो है वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। हाल में ही CBSE ने AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी TCS, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। तो CBSE ने हाल में ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 1,000 स्कूली टीचरों को इसके साथ जोड़ा जाएगा व 8वीं स्तर तक के स्कूल पढ़ाने की शिक्षा को दुरुस्त किया जाएगा। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की है, तो आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो वर्ष 1975 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हैं वो हैं सत्या नडेला जी। सत्या नडेला जी हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम के CEO के कार का पदभार संभाल रखा है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके पास में जित एजुकेशन रिलेटेड जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।